कर भैया यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना, इंटरव्यू कर देना, कोई दिक्कत ना पड़े भाई। सही है। अच्छा अच्छा, फ्रॉड हो गया था। हाँ, 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 कोई चार्जेस वगैरह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, चल रहा है। ये जो है ना, ये दूसरे प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। तो अभी हम भैया से बातचीत करेंगे और इंटरव्यू इनका चल रहा है। हेलो भैया, ना सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देख रहे हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं नौकरी के बारे में बताता हूं और इस समय हम जॉइंट पॉइंट के ऑफिस में हैं सतीश भैया के यहां, ठीक है। तो अभी कुछ हमारे भाई आए हुए हैं जो कि इंटरव्यू के लिए, बाकी इंटरव्यू इनका हो चुका है। और जो लोगों का ये कमेंट्स रहता है कि कुछ फीस ली जाती है, पैसे ली जाती है, तो इन लोगों से हम क्लियर कर लेते हैं, इन भाई से। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था गाजियाबाद को लेकर, है ना, जो मार्केटिंग से रिलेटेड वो जॉब थी, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ भाई हमारे आ चुके हैं। वैसे तो कई प्रोफाइल के लिए आए हुए हैं, वैसे इन दोनों भैया से हम बातचीत करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर गाजियाबाद के और गाजियाबाद के जॉब के लिए आए हैं ना, जो कि मार्केटिंग के लिए है। क्या नाम है मेरे भैया आपका? प्रशांत कुमार। कहाँ के रहने वाले हो सर? साबुद्दीन नगर, हापुड़ जिला। हापुड़ के रहने वाले। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपने वीडियो देखा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई शुल्क वगैरह तो नहीं लिया जा रहा है? नहीं। इंटरव्यू आपने दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से ये तो नहीं कहा गया कि हमें 200 रुपये दो, हमें 1000 रुपये दो, हमें 2000 रुपये दो, ऐसा कोई कुछ कहा नहीं गया ना? नहीं। संतुष्ट हैं? तो अभी आप जा रहे ज्वाइनिंग के लिए या तो फिर इंटरव्यू के लिए ना? होते जी जी, तो उसके हिसाब से फिर आपको हापुड़ का लोकेशन दे दिया जाएगा ना। हापुड़ के रहने वाले हो ना? हापुड़ के रहने वाले, उस हिसाब से इनको लोकेशन दे दिया जाएगा। अभी भैया थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? रोहित। कहाँ के रहने वाले हो साहब? हापुड़। हापुड़ के रहने वाले जी। तो किसके थ्रू आप जॉब पॉइंट में आए हो? जॉब पॉइंट वीडियो देखी थी, हमारी वीडियो देखी जी, उससे देख आए आप। तो जब यहाँ पे आए तो बस सतीश भैया से बातचीत हुआ। सतीश भैया हमारे सामने ही है अभी समय, है ना, लोगों को इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, बस रास्ता भटक गए थोड़ा सा। चलिए, आप लोकेशन भी हम डाल देंगे। अच्छा, जिस प्रोफाइल के लिए आप यहाँ पे सर्च कर रहे थे वो आपको मिल गए ना, उससे सेटिस्फाई हैं? जी जी, वो गाजियाबाद का जो था हमारा पिछली वीडियो जो मिल गई, अब जा रहे हैं वहीं पे। तो किसी तरीके से कोई शुल्क तो नहीं ले रहे? नहीं जी, कुछ नहीं ले रहे। जैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे तो पैसा लिया जा रहा है, फ्रॉड है, तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं फ्रॉड, नहीं ना पैसा जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया ना। तो भैया से बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो हमारे भैया हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। ये एक दूसरे प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। ये जो है ना, ये दूसरे प्रोफाइल के लिए है, ठीक है। तो अभी हम भैया से बातचीत करेंगे और इंटरव्यू इनका चल रहा है। ठीक है, सही ऑर्डर लेना है। 7 दिन की ट्रेनिंग होगी गाजियाबाद में, उसके बाद जहाँ पे आप रहते हो आपको वही लोकेशन मिल जाएगी। जहाँ पे आप रहते हो वही लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। 15,000 रुपये भी फिक्स है। आज अगर तुमने 10,000 का ऑर्डर करा दिया, पहले ले लिया, 800 रुपये इन्हें कैश मिलेंगे 15,000 से अलग। 20 का करा दिया 16 मिलेंगे, 1 का करा दिया तो 8,000 मिलेंगे, ठीक है। तुमने 5,000 का भी करा दिया और कम से कम 400 रुपये उसके होंगे। कोई टारगेट तो नहीं है ना सर इसमें? टारगेट तो नहीं है, बस टारगेट नहीं है। हाँ ठीक है। उसने पिछले महीने 28,000 को उठाए थे, बट बंदे ने मेहनत की थी। तो मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपसे कोई ज़्यादा कुछ हम नहीं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंपनी हमको पे करती है। हाँ हाँ ठीक है, आप इस पर बैठे साहब। सब हमारे भाई हैं, अभी इस समय हमारे सारे भाई आ चुके हैं। बड़ी खुशी मिल रही है, समझ लीजिए, खुशी का हमारे ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है भैया लोग का। इंटरव्यू में नॉर्मली वही चीज़ें पूछी जाती है, कहाँ काम किए हो आप, उसके बाद करना चाहते हो, सेटिस्फाई हो आपको। आपके लिए मानेश्वर में है खाना कंपनी दे रही है, 8 घंटे ड्यूटी है और ओवर टाइम भी खत्म है, तो तुम्हारे ऊपर
अच्छी लगती है आपको लेकिन इंटरव्यू में जब ये नहीं होता सैलरी कब मिलेगी क्या ढूंढने का मैं फिर मिलेगा अगर छुट्टी कर देता हूँ तो क्या होगा ये सारी चीज़ें आप खुल कर उससे पूछ सकते हैं। प्रेशर के अंदर एक चीज़ होती है घबराहट, तो घबराहट किस चीज़ की होती है? आप लोगों ने पहले काम किस किस ने इंटरव्यू दिया था? अब तक दिया था नहीं इंटरव्यू? मैंने काफ़ी दिया था, काफ़ी दिया था। क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है? किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? टेक्निकल का, डेस्कटॉप सपोर्ट का। उसका फिर मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, घर पर बात की तब क्या हो गई थी मिली होगी तो मैंने छोड़ी थी। क्या है लोन के बारे में कुछ जानकारी है? कहाँ पर रहते हैं आप? पंद्रह पर लोन के बारे में जानकारी है कुछ? क्या है लोन लेते हैं? पर्सनल लोन लेते हैं, उसमें वेहिकल लोन लेते हैं। कैसे कैसे होता है प्रोसेस होता है? जैसे हमको लोन की नीड है, हम बैंक के पास गए, बैंक ने फिर जो क्राइटेरिया होता बैंक का उस हिसाब से बैंक ने देखा, आपको लोन दे दिया। जैसे कि उस कंपनी कई बैंकों से टाई होता है, ठीक है, पैसा ले रखते हैं, आपने कॉल कर दिया सर आपकी क्वेरी आई थी लोन के लिए, आई सर माई लैंग्वेज में आई रिक्वायर्ड आई थिंक आपकी जो क्वेरी थी लोन के लिए क्वेरी आप लोन ले चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आपको उसका सिविल चेक करना होगा क्योंकि सबसे मेन अंक होता है सिविल। सिविल अगर 70+ है तो लोन हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है फिर आपने सिविल चेक कर लिया, सिविल स्कोर क्या है तो देन आप उसको उसके डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, ITR, GST वाटर जिसको भी उन्हें पूछते हैं, तो उस प्रकार से वो फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल करने के बाद उसका फिर वेरिफिकेशन होगा जो जो बोल रहा है उसका प्रॉपर्टी है या नहीं है, देन उसके बाद उसको लोन सेशन होगा। ये सारी प्रक्रिया आते हैं बोलना रिज्यूम दिया तो इंटरव्यू स्टार्ट है। इंटरव्यू जब आप देर से बढ़ते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है। नए कबीर सर जब तो बैठने जाना बोले तो बैठो मत, जो बोले हाँ ठीक है बैठिए, थैंक यू सर, जो भी टाइम है गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, वाटर टू बोल, जो भी क्वेश्चन करे सीधा फ्रंट आग से आप मिला के बात करो नॉर्मल। अगर कहीं इंग्लिश में घबराहट हो रही है तो हिंदी बोल दो, बोलो बिल्कुल, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है। गुड वे ऑफ टॉकिंग से, ड्रेसिंग सेंस से, मैनर्स से इंटरव्यू जब स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? एक्चुअली तो मैं इंटरव्यू था। अभी कुछ लोग ऐसे थे, मान लो सारा भाई क्या नाम, ऐसे थे कि अब द्वारका में वैकेंसी थी, अब द्वारका के को मैं यहाँ पे बुलाता, फिर वो यहाँ से मैं गया लेता था उसके अंदर ड्राइवर, तो मैंने उसको फोन पे फिल्टर कर लिया, उसने बताया मुझे इतने रिज्यूम सेंड कर दिया, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया, कॉलिंग का कर लिया, ये करता हूँ वो करता हूँ, बात उसे ठीक लगा। और बंदा जब इंटरव्यू पहुँचे पता क्या स्लीपर में अंडरवर्ल्ड में चप्पलों से अंडरवर्ल्ड में, अब कंप्लीमेंट मुझसे दूसरे कहेंगे यार क्या भले घोड़े भेज दो, अब यार बता मैं इतना सेंस नहीं है उसे, 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, मतलब जब जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको सब नॉलेज हो। कुछ माह में ऐसे होते हैं गुटका खा चले जाते हैं, तो इसलिए हमें पहले अपने पास क्या पैसे बनते नहीं होते आप छोड़ दो पैसे, हमने पैसा ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर जैसे मैं वीडियो कहा था हमारा चार्ज होता नहीं है, तब होता है जिस कंपनी जो कंपनी उनको नहीं देती, जैसे कि मैं बता रहा हूँ हीरो वाले जो है इस कंपनी को कोई नहीं देती क्योंकि इस कंपनी को पहले टाइम लगता था, अब क्या आप सीधे जाओ ऑनलाइन को काम था ऑनलाइन वो डालो कंपनी मत लो और ये सब चलो बढ़िया चलिए तुम्हारे 1,000 कटेंगे कंपनी 2,000 देगी हो गया 17,000 ऐसे, और वो टाइम करोगे तो 17-18 20
सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस तो उसमें जुड़ जाओ किसी बैंक में एक आपको पता है ना मैं किसी बैंक में जुड़ जाओगे उसका एक्सपीरियंस बहुत होगा अब हीरो तो ब्रांडेड है अगर तुमने 3 साल कर लिया 3 साल के बाद तुम किसी कंपनी में जाओगे उसका एक्सेलेटर दिखाओगे 20 से 30 के बीच चल रही है बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी सीखना पड़ेगा सीखना तो पड़ता है मेहनत अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।